आस्था के हिसाब से, सियासत के हिसाब से आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। इसे इन तीन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर वाराणसी में लगने वाले सियासी जमावड़े की है। यहां आज संत रविदास जी की जयंती है, जिसके चलते वाराणसी में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, चंद्रशेखर आजाद संत रविदास मंदिर में मत्था टेकने पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर वृंदावन कुंभ की है, जहां आज पहला शाही स्नान है। यहां साधु संत लाखों श्रद्धालु स्नान करेंगे। और तीसरी तस्वीर प्रयागराज की है, जहां माघ पूर्णिमा के पावन दिन संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वृंदावन कुंभ की, जहां पहला शाही स्नान है आज। साधु संत और लाखों की तादाद में श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे और पहले शाही स्नान की शोभा यात्रा सुबह 9 बजे अखाड़ा मार्ग से शुरू होगी और वृंदावन के प्रमुख मार्गों और क्षेत्रों से होते हुए शाही स्नान घाट पर पहुंचेगी। करीब 3 से 4 घंटे की शोभा यात्रा के बाद 3 अणि और 18 वैष्णव अखाड़ों का शाही स्नान होगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता किया हुआ है। और इस वक्त सीधा आपको वृंदावन लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा वृंदावन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जो दर्शक गंगा सवेरा में अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बताइए वहां का पूरा अपडेट। जो आज माघ पूर्णिमा पर स्नान चल रहा है, किस तरह वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कैसा माहौल इस वक्त आप वहां घाट पर देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम माघ पूर्णिमा की बात करें आस्था, तो पूरे देश में इस पर्व का बहुत महत्व है, लेकिन वृंदावन में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कुंभ चल रहा है, पहला शाही स्नान भी है आज, और देश भर से जो वैष्णव संत हैं वो आज पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। लेकिन एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, यमुना स्नान चल रहा है, देश भर से श्रद्धालु आए हैं और यमुना स्नान का वो पुण्य प्राप्त कर रहे हैं उनका। उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो जाएंगे और संतों के दर्शन भी करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ बात कर लेते हैं, ये बताए कहाँ से आइए? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से जी। वृंदावन कुंभ के बारे में जानकारी थी या वृंदावन आते हैं? नहीं, आते हैं वृंदावन और जानकारी भी थी आपकी। दादा, मैं भी वहीं से आया हूं और मूलतः दतिया का निवासी हूं, भीके दुबे मेरा नाम है। अक्सर आते रहते हैं हम यहाँ। और कैसा है कुंभ का अनुभव? ये तो अद्वितीय है, विश्वमय। शाही स्नान भी होना है तो संतों के दर्शन भी होंगे? बिल्कुल, अगर राधे रानी की कृपा हुई तो वो भी दर्शन होंगे और निश्चित रूप से ये अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण है यहाँ और ये ऐसी संस्कृति कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। और देखिए, एक शब्द पर गौर करना होगा आस्था, कि ये कहा गया कि राधा रानी की कृपा होगी तो संतों के दर्शन हो जाएंगे। दरअसल कुंभ संतों के दर्शन का भी पर्व है और शाही स्नान ही वो मौका होता है जब वो संत महंत भी शाही यात्रा में निकलते हैं, जिनको अमूमन आप नहीं देख पाते, दर्शन नहीं कर पाते। आज वैष्णव अखाड़ों के नागा भी निकलेंगे, आज वैष्णव अखाड़े के जगत गुरु भी निकलेंगे, द्वाराचार्य भी निकलेंगे, महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो निकलेंगे। और अगर हम बात करें इस पूरे शाही स्नान की, तो 9 बजे शोभा यात्रा अखाड़ा मार्ग से शुरू होगी और वृंदावन के तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होते हुए शाही स्नान घाट पहुंचेगी। लगभग 3 से 4 घंटे का जुलूस है, बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है, ट्रैफिक पूरी तरीके से रोका गया है रंगनाथ मंदिर से। मतलब हम ये कह सकते हैं जिन श्रद्धालुओं को कुंभ क्षेत्र में आना है, 2 से 3 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा और बहुत भव्य तस्वीरें हैं और 9 बजे जो तस्वीरें होंगी वो अपने आप में अद्भुत होंगी। बिल्कुल, हम उन्हीं का इंतजार भी कर रहे हैं। अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आगे आपके पास आते रहेंगे। 9 बजे शुरुआत हो जाएगी शोभा यात्रा की और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, माघ पूर्णिमा का जो पवित्र स्नान है वो लगातार जारी है। गंगा में श्रद्धालुओं की जो डुबकी है उसे लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये माघ मेले का 5वां स्नान पर्व होता है और इसे माघी पूर्णिमा का स्नान कहते हैं। उसके साथ संगम की रेती पर 1 महीने चलने वाले कल्पवास का समापन भी हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है। कहा यह जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन लोग पवित्र नदियों और खास तौर पर गंगा स्नान करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नितेश पांडे। सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, बताइएगा क्या चल रहा है वहां संगम घाट पर इस वक्त?
कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं स्नान के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संगम नगरी संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त सूर्योदय हो चुका है। सूरज पूरी चमक के साथ निकल चुका है और जैसे जैसे सूरज निकला हुआ है उसकी लालिमा निखर कर सामने आई है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ संगम पर बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक संगम घाट पर। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो संगम के सभी घाट है, तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है, वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। जो श्रद्धालु है वो हजारों की संख्या में कई किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए यहां पर आए हुए हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और आज के दिन से ही कल्पवास का समापन भी हो जा रहा है। यानी जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर एक महीने तक गंगा की रेती में रह रहे थे, रोजाना जो है यहां पर पूजा अर्चना करते थे, गंगा स्नान करते थे, आज उनका जो संकल्प है उसकी पूर्णाहुति हो रही है और आज वो भारी मन के साथ यहां से विदा ले रहे हैं। तो कल्पवास जो है आपको बता दें कि सिर्फ संगम नगरी प्रयागराज में ही होता है और मान्यता यह है, धार्मिक मान्यता यह है कि कल्पवास करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो आज माघी पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का कारवां लगातार संगम की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ठीक संगम की है। जो आप बड़े बड़े झंडे, रंग बिरंगे झंडे देख रहे हैं, नावों का डिवाइडर देख रहे हैं, उसके एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है और यहीं पर दोनों नदियों का मिलन होता है। यहीं से दोनों नदियां आगे बढ़ती हैं वाराणसी की तरफ, गंगा सागर की तरफ जो है। तो जो आपको बता दें कि इस बार जो माघ मेले का आयोजन हुआ था, योगी सरकार ने विपरीत हालात में मेले का आयोजन कराया था। एक वक्त ऐसा लगा था कि शायद कोविड की वजह से इस बार मेले का आयोजन नहीं हो सकेगा, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन सरकार ने फैसला किया और बेहद कम समय में बिल्कुल वही व्यवस्थाएं कराई जो हर साल हमें माघ मेले में देखने को मिलती है। सुविधाओं में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, मेले की भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं हुई है, भव्यता में कोई कमी नहीं रही। यही वजह है कि संत जो हरिद्वार में पहुंचे हैं वहां की सरकार से सवाल उठा रहे कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेले में ये भव्यता हो सके तो कुंभ में क्यों, हालांकि कुंभ की अवधि छोटी कर दी गई है। नीतीश का रुख कर लेते हैं वाराणसी से, हमारे साथ जुड़े हुए नीतीश। इससे पहले जो आपने तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को, हम जो सुबह 6 बजे से लगातार दिखा रहे हैं, बड़ी भीड़ थी, क्या वो भीड़ अभी कम हुई है या बढ़ गई है या वैसी ही है? राजीव, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि आज का ये दिन पूरे माह की पुण्य की प्राप्ति का दिन है। सबसे पहले तस्वीरें आपको नीचे की तरफ दिखाना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान ध्यान का आज खास महत्व है, लेकिन इसके साथ दीपदान का भी खास महत्व है। कहते हैं कि अगर आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन, माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन अगर दीपदान करते हैं तो जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है, अंधकार से प्रकाश का मार्ग खुल जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि बसंत माह भी चल रहा है, एक बसंत ऋतु भी है और अपने आप में ये खास ऋतु मानी जाती है और इस ऋतु में आज की ये माघी पूर्णिमा अपने आप में खास महत्व रखती है। स्नान ध्यान और इसके साथ ही जो दान है, दान में खास चीज़ों की अगर बात करें तो पीता पीले फूल का दान करना चाहिए और इसके साथ ही जो दीप के सामान हैं उनका दान करना चाहिए। आज के दिन की ये खास मान्यता है। तो आज भक्त गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। बेशक नितेश, आपने हमें गंगा घाट से तस्वीर भी दिखाई है कि कैसे आज के दिन लोग दीप दान कर रहे हैं, स्नान अभी चल ही रहा है और दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े थे, अवधेश हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन नितेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये भव्य और दिव्य तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, अब आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। आस्था के साथ साथ सियासत की आप 4 तस्वीरें आपको दिखा दें कि किस तरह से वाराणसी में आज सियासी घमासान होने वाला है। संत रविदास की जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा रविदास मंदिर में मत्था टेकने पहुंचेंगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संत रविदास मंदिर में माथा टेकेंगे। वहीं 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उनके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी संत रविदास के मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए नितेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि किस तरह आज
सियासी जमावड़ा वाराणसी में लगने जा रहा है। मौका है संत रविदास जी की जयंती का, लेकिन सभी पार्टियों से जुड़े हुए दिग्गज जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। किसका क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या संदेश यहां से देने की कोशिश? आस्था, अगर बात करें तो संत की जन्मस्थली शनिवार का दिन और सियासी दिग्गजों का आना, तो ये कहना गलत ना होगा कि आज का शनिवार सियासी जमावड़े का शनिवार है बनारस में। जिस तरह से कहते हैं कि संत रविदास की जो ये जन्मस्थली है, पुरातन समय पे अगर जाते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती इस जो संत की जन्मस्थली है उसको कहीं ना कहीं अपनी जागीर के तौर पर दिखाती थी। वोट बैंक की जागीर की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें सियासी, पहले ये बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन आएगा। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण यहां पर आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं। अगर बात करें तो अखिलेश यादव कहें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज यहां पर आएंगे, संत की जो जन्मस्थली है वहां मत्था टेकेंगे। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज यहां पर पहुंचेंगी। इसके पहले अगर बात करें कि जो भी नेता अपनी सियासी जमीन को साधना चाहता है और खास तौर पे एक विशेष समुदाय के वोटों को प्राप्त करना चाहता है, वो संत की जन्मस्थली पर हाजिरी लगाना नहीं भूलता। पिछले वोटों की बात करें तो कई पार्टी के आला नेता यहां पर अपनी हाजिरी लगाते रहे और सियासी जमीन को साधते रहे। अब यह देखना होगा कि आज की यह सियासत पूरे दिन में किस तरह से सरगर्मी पकड़ती है, कौन से नेता क्या बयान देते हैं, क्या दर्शन करके मत्था टेक के वापस लौट जाते हैं, या कोई सियासी मतलब भी साधते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि सियासी किसके हक में बैठा है, जमावड़ा लगने वाला है। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपर फसल दस में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दो दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। यहां सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने तेल और रसोई गैस के बढ़ते दामों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ठंड को रसोई गैस और कोरोना को पेट्रोलियम पदार्थों के महंगा होने की वजह बताई। धर्मेंद्र प्रधान मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर भी गए। वहां पर उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक बढ़ रहे हैं। कहा एलपीजी की खपत ठंड में ज्यादा होती है जिससे डिमांड बढ़ जाती है। आजमगढ़ में कार्यक्रम में सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। उन्होंने कहा भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है, गठबंधन के लिए हम लोगों का दरवाजा खुला है, विधानसभा चुनाव 2022 में हम सरकार बनाएंगे। जौनपुर में जमीन बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर बम से हमला कर दिया और हमले में एक युवक मामूली रूप से जख्मी हुआ है। वहीं बम के धमाके से पूरा इलाका दहशतनाक है। पुलिस ने मौके से पहुंचकर एक जिंदा बम बरामद किया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में मारपीट, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। सिद्धार्थनगर में एक शख्स को इतनी बुरी तरह से पीटा गया उसकी मौत हो गई। मामला लोटन थाना इलाके का है। 60 साल के बुजुर्ग को पड़ोसियों ने बुरी तरह से पीट दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी। मऊ में एक बेटी ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश को धर दबोचा, जबकि दो बदमाश मौके से भाग गए। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची और बदमाश को हिरासत में लिया और जांच शुरू की। गोरखपुर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धर्म सपरिवर्तन विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, कृषि कानून और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल आया। कुशीनगर में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार सवार दरोगा गंभीर रूप से घायल। कार में फंसे घायल दरोगा को राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दरोगा थाने से ड्यूटी करके वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सोनभद्र में रीवा रांची नेशनल हाईवे पर एक मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि मैजिक गाड़ी झारखंड के गढ़वा जिले से गुड़ लेकर आ रही थी। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। पंचायत चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए पुलिस की छापामार कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है जिले में किसी भी तरह से अवैध शराब का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। बलरामपुर में 9 साल के बच्चे के अपहरण और उसके बाद हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना थाना
मराजगंज तराई इलाके की है, जहां पर राजू प्रजापति का 9 साल का बेटा 14 फरवरी से लापता था। 25 फरवरी को मासूम का बोरे में बंधा हुआ शव। तो पूर्वांचल की सुपरफास्ट खबरों के बाद वक्त हो गया बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अगली खबर जो हमें मिल रही है वो मथुरा से है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बीएसए रोड पर दो ऑटो ड्राइवर्स में पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट हो गई। दोनों में जमकर लात-घूंसे चले। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के पास एक रिक्शा चलाने वाले ने मदद मांगी, पर पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। पुलिसकर्मी मारपीट होती देखकर रुके नहीं और वहां से निकल गए, जिसके बाद राहगीरों ने लड़ रहे ऑटो चालकों को शांत कराया। पीलीभीत में बाइक सवार युवक की महिला समेत कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाइक सवार युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में हुए विवाद को सुलझाने के लिए युवक पहुंचा था। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की जांच पड़ताल करने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई में भी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की गई। उधर बरेली में बिना टिकट यात्रा कर रहे पुलिसकर्मियों को जब टीटी ने पकड़ा तो पुलिसकर्मियों ने टीटी को जमकर हड़का दिया। इतना ही नहीं, मुकदमा लिखने तक की भी धमकी दे दी। मामला श्रमजीवी एक्सप्रेस का है, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे 20 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया, उनसे जुर्माना वसूला गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। टीटी और आरपीएफ अगर हमसे कोई सहायता मांगती है तो हम तुरंत उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अवध की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। दोनों दिन राम जन्मभूमि परिसर के अंदर और बाहर के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करने पर चर्चा हुई। प्रशासनिक टीम ने राम जन्मभूमि परिसर और उसके बाहर अयोध्या में होने वाले निर्माण कार्य और विकास परियोजनाओं को लेकर एक एनिमेटेड ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन दिया। लखनऊ में बड़े सराफा व्यवसायी जुगल किशोर ज्वेलर्स एंड बेकर्स के यहां पर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पड़ोस के खाली मकान की छत से अंदर घुसे चोरों ने गैस कटर से स्ट्रांग रूम को काटकर लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिए। मामले में एसटीएफ के साथ पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीतापुर के महमूदाबाद में दूषित भोजन करने से करीब 1 दर्जन लोग बीमार हो गए। सभी लोग एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। आनंद फानंद में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंबेडकर नगर के कल्याणपुर गांव में आवारा जानवरों से परेशान एक किसान ने अपने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर उस पर जोत दिया। गांव में बनी सरकारी गौशाला से बड़ी संख्या में आवारा जानवर खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा रहे, जिससे किसान परेशान है। अयोध्या से लौटते वक्त उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष मंगल ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द अंडरपास बनवाने की बात कही। मेठी में पूर्व प्रधान और बीजेपी जिला कार्य समिति सदस्य जागेश्वर वर्मा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियारों की निशानदेही पर 315 का तमंचा कारतूस बरामद किया है। रंजिश के चलते दीपक ने पूर्व प्रधान की हत्या की थी। सुल्तानपुर में स्वाट टीम और जयसिंहपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बिहार के रहने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। इनके पास से 1 घर से चोरी किए गए गहने बरामद हुए हैं। फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जिला योजना की बैठक में शामिल हुए। जिले के विकास कार्यों के लिए 4671 करोड़ रुपए मिले। ऐसे में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जिला अस्पताल में एमएनसीयू और एसएनसीयू का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ में एसटीएफ और पुलिस ने लखनऊ वाराणसी हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रानीगंज बाजार के पास से ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा करीब 6 क्विंटल डोंडा बरामद किया गया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये झारखंड से बरेली लाया जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत औरैया के नारायणी मंडप में 124 जोड़ों ने शादी की और 4 मुस्लिम जोड़े भी इसमें शामिल हुए। और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री, राज्यसभा सांसद और जिले के अधिकारी मौजूद रहे।
हरदोई में पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस की टीम पर उगाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने हमला किया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 7 आरोपियों के खिलाफ FIR हुई है। मामला हरपालपुर कोतवाली के मिरगावां का बताया जा रहा है। और अब वक्त हो गया यूपी उत्तराखंड में आज क्या हलचल रहने वाली है, क्या खास रहने वाला है, कौन सी बड़ी खबरें आज होने वाली है, उस पर नजर डालने का। तो चलिए सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। आज वाराणसी में संत रविदास जयंती के मौके पर सियासतदानों का जमावड़ा लगेगा। प्रियंका गांधी आज रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगी। अखिलेश यादव भी संत रविदास मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज संत रविदास मंदिर जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान सुबह 9 से 9:30 बजे तक रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी सुबह करीब 10 बजे संत रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ के कृष्णानगर में मौजूद संत रविदास मंदिर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। शाम 6 बजे सीएम आवास पर एक बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी खाद्य विभाग की ओर से उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में बदलाव को लेकर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को देखेंगे। मेरठ के मवाना में कृषि कानूनों के विरोध में आज महापंचायत है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन में आरएलडी ने महापंचायत का आह्वान किया है। महापंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इसके अलावा नैनीताल जिले में आज क्या होगा, मतलब उत्तराखंड में क्या खास होगा, वो बताएंगे राजीव। नैनीताल जिले में घर की पहचान बेटी के नाम कार्यक्रम की शुरुआत होगी। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का शुभारंभ करने वाले हैं और अब घरों के नेम प्लेट बेटियों के नाम से होगी और वो नेम प्लेट भी एप्रन कला से बनी होगी। इससे तक जो दूसरी खबर है वो हरिद्वार से है। यहाँ पर सभी 13 अखाड़ों के पेशवाई की तारीखें घोषित हो गए, तय हो गए। निरंजनी की पेशवाई 3 मार्च को होगी, 27 फरवरी को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। जूना और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई 4 मार्च को निकाली जाएगी।